नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हो? बढ़िया हो सारे स्टूडेंट जितने भी हैं। चलो अच्छी बात है, आप लोग सारे खुश हो, तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लॉकडाउन है, लॉकडाउन में आप घर पर रहकर अपनी तैयारी करो, सबसे बेस्ट है। जैसे कि ज्यादा डिमांड आ रही थी कि सर हिस्ट्री पढ़ाओ हिस्ट्री पढ़ाओ, हिस्ट्री की डिमांडेड के अकॉर्डिंग हिस्ट्री की क्लासेस शुरू कर रहा हूँ मैं सबसे स्टार्टिंग में, और हिस्ट्री की क्लासेस में एक बहुत ही तरीके से और बेस्ट तरीके से स्टार्ट करूंगा। आपसे इतनी ही गुजारिश है कि जो वीडियोस वगैरह हिस्ट्री की आएगी, आपको अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो और अच्छे विद्यार्थी हो, अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा भी मानते हो, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करो या मत करो, ठीक है? वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब करोगे, नहीं तो वरना नहीं करोगे। बहुत सारी चीजें परिवर्तन में है अभी, लेकिन इतना ध्यान रखना कि अगर मैं कुछ कंटेंट दे रहा हूँ और कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपका इतना फर्ज बनता है कि आप वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है? क्योंकि शेयर से ही हम लोग आगे बढ़ने का काम हमारा चलता है, मोटिवेशनल हमें शेयर से ही मिलता है दोस्तों। तो शेयर जरूर करें, प्लीज 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 शेयर जरूर करें वीडियो को, सब्सक्राइब लाइक वगैरह तो ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, वही चैनल को थोड़ा सा प्रमोट जरूर करो, ठीक है? अब उसके बाद ऐसे स्टार्टिंग करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, क्लास 10th CBSE का है। चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद की घटनाएं, यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद या यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है? व्हाट इज नेशनलिज्म? नेशनलिज्म होता है राष्ट्रवाद, अपने देश से प्यार होना, राष्ट्रवादी होना, ठीक है? इसका मतलब मैं राष्ट्रवादी हूँ, आप भी राष्ट्रवादी हो, ठीक है? आप जिसको शेयर करोगे वो भी राष्ट्रवादी है। अब आप बोलोगे सर पाकिस्तान वाले भी राष्ट्रवादी है, वो अपने देश के प्रति राष्ट्रवादी है, हम अपने देश के प्रति राष्ट्रवादी है, ठीक है? पाकिस्तान वाले इंडिया के प्रति राष्ट्रवादी कैसे हो गए? हो ही नहीं सकते। और इंडिया पाकिस्तान के प्रति राष्ट्रवादी कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। तो हमें अपने देश से प्यार है, उनको अपने देश से प्यार है, और जिस नागरिक को अपने देश से प्यार होता है या ज्यादा प्यार होता है, उसको हम राष्ट्रवादी बोल सकते हैं। इसलिए मैं भी एक नेशनलिस्ट हूँ, राष्ट्रवादी हूँ, और आप भी एक नेशनलिस्ट और राष्ट्रवादी हो, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, अपने देश के प्रति भक्ति, ठीक है? देश की भक्ति बराबर देशभक्ति, और देशभक्ति को क्या बोलते हैं? नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी। और उसके बाद है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस की राज्य क्रांति एंड द आइडिया ऑफ नेशन और राष्ट्र के विचार, फ्रांस की राष्ट्र क्रांति और फ्रांस की राष्ट्र क्रांति और किसके राष्ट्र के विचार, राष्ट्र बनाना था उसके विचार। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई थी वो कब हुई थी? द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789 मार्क द एज ऑफ रेवोल्यूशंस इन यूरोप, यूरोप के अंदर हुई थी, यूरोप के अंदर फ्रांस पड़ता है, ठीक है? फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। पहले जो अगर देखा क्लासिकल टाइम में फ्रांस की राजधानी वर्साय हुआ करती थी, वर्साय, फ्रांस की कैपिटल वर्साय। और आज के मॉडर्न टाइम में फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। और पेरिस में क्या है? एफिल टावर। और पेरिस किस रिवर के किनारे है? सीन रिवर के किनारे है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद सीन सीन सीन, ठीक, द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789 में हुई थी, मार्क द एज ऑफ रेवोल्यूशन इन यूरोप, यूरोप के अंदर जो राज्य क्रांति का टाइम था वो 1789 का टाइम था, 1789 में फ्रांस में राज्य क्रांति हुई थी। इट पेव्ड द वे ऑफ अचीव बिगर गोल्स ओवर नेशनल आइडेंटिटी एंड नेशनल प्राइड व्हिच कैन बी कॉल्ड नेशनलिज्म। उस टाइम पर क्या था, वहां के लोगों के पास में अपनी कोई नेशनलिटी नहीं थी, ना ही अपनी कोई, सॉरी, अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं थी जिससे वो अपने आप को शो कर पावे कि हम ऐसे हैं, हमारा हमारी कंट्री वो है, हम अपनी कंट्री को ऐसे डेवलप करना चाहते हैं। कोई किसी की कोई आइडेंटिटी नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जब आइडेंटिटी नहीं होती किसी आदमी की, तो फिर उसका जीने का लाभ भी कुछ नहीं होता। तो अपनी खुद की पहचान तो होनी होती है ना, हमारी पहचान क्या है? हम भारतीय है, ठीक है? उनकी कोई पहचान ही नहीं थी, कोई आइडेंटिटी नहीं थी उन लोगों की, ठीक, इतने ज्यादा परेशान थे वो लोग। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का बढ़ना। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, आवाज भी नहीं रहती है। सेकंड हेडिंग आपकी द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का निर्माण, राष्ट्रवाद मेकिंग होता है निर्माण करना या बनाना, नेशनलिज्म राष्ट्रवाद इन यूरोप, यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का निर्माण करना, ठीक है? ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, ठीक है? जो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ईस्टर्न एंड सेंट्रल, ईस्ट का मतलब पूर्वी, पूर्वी और मध्य यूरोप के अंदर कौन सा निरंकुश शासन था? निरंकुश शासक का मतलब जो लुईस की फैमिली वाले राजा थे, लुईस की फैमिली वाले जो राजा थे उनका शासन था वहां पे, ठीक है? और वो बहुत निरंकुश राजशाही तंत्र था, किसी की भी नहीं सुनते थे, अपनी अपनी दिखाते थे बस खाली, ठीक है, मैं ये करूंगा। आपने सुना होगा ना, 9th क्लास में आपने पढ़ा था, मैं ही राजा हूं, मेरा शब्द ही कानून है, ठीक है? वो
वो वाले जो उसने सेंटेंस बोला, लुईस ने तो सेंटेंस यूज किया था, मैं ही राजा हूं, मेरा शब्द कानून है, तो वही वाला मोनार्की सिस्टम जो था वो यहाँ पे है। ठीक है, राजशाही तंत्र था, राजा होते थे और राजाओं के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती थी, राजाओं के अंडर में आर्मी थी, आर्मी पे फोर्स डाल के कुछ भी करवा लेते उल्टा सीधा, तो जनता इतनी ज्यादा, जो वहां के लोग थे इतने ज्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उसके बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन फ्रांस, फ्रांस के अंदर औद्योगिक की शुरुआत हुई, एंड न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग, और बहुत सारे नए सोशल ग्रुप, बहुत सारे नए सामाजिक जो समूह थे वो बाहर आए निकल के। ठीक है, जो मतलब भाई वहां पे फैक्ट्रिया वगैरह लगी, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ फ्रांस के अंदर, तो फ्रांस में जो सोशल ग्रुप्स थे वो बहुत सारे निकल के आए बाहर, ऐसे नहीं छुप कर रखे थे, लेकिन उनका मतलब सीन हो एकदम, इतनी सारे ग्रुप बाहर निकल कर आए समाज को सुधारने के लिए। ठीक है, अपनी सोसाइटी को चेंज करने के लिए। उसके बाद में कंजर्वेशन वाज ए पॉलिटिकल फिलोसफी दैट हाईलाइटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिशन सेट अप इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम्स। अब उसके बाद आता है आपका थर्ड नंबर, द एज ऑफ रिवोल्यूशन, द एज ऑफ रिवोल्यूशन, क्रांति जो वहां पर क्रांति हुई थी, जो रिवोल्यूशन फ्रांस के अंदर हुई थी, उसका टाइम कितना था, 1830 से लेके 1848 के बीच में, वो सबसे भयानक रूप में बदली थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, स्टार्टिंग तो 1789 में हो चुका था, लेकिन अब हमें जो इम्पोर्टेंट टाइम था, इम्पोर्टेंट टाइम का मतलब द एज ऑफ रिवोल्यूशन, क्रांति का जो इम्पोर्टेंट टाइम था वो था आपका 1830 से लेके 1848 में, और 1848 में एक डायग्राम भी बनाया गया था। ठीक है, पिक्चर बनाई थी फ्रेडरिक सोली ने। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट, द पीरियड बिटवीन 1830 टू 1848 इज सिंबोलिस्ड विद द एज ऑफ रिवोल्यूशन। इस टाइम पर क्या हुआ, क्रांति जो हुई थी ना, जो रिवोल्यूशन हुई थी, उसको एक लोगो दिया गया। ठीक है, और पहले यहाँ फ्रांस के अंदर क्या था, यूरोप के अंदर अगर कोई भी रिवोल्यूशन स्टार्ट होती थी तो उसका जो लोगो होता था वो किसी लेडी का होता था, किसी वुमेन का लोगो बनाकर उसको यूज करते थे वो लोगो। पहले महिलाओं के जो चित्र बनाते थे उनको क्रांति के रूप में ही देखे जाता था वहां पे ऐसा, तो मतलब भाई उसके पीछे उनके विचार हो गए जिस तरह के वे मानते हैं। अभी यहाँ पे इतना बताया कि 1830 से और 1848 के बीच में एक सिंबल तैयार हुआ था जो रिवोल्यूशन को शो करने के लिए था, द ट्रीटी ऑफ कस्तु, ये कॉन्टिनेंट, देख इसको अगर हम हिंदी पढ़े तो इसको कस्तुतुनिया की संधि बोलते हैं, कस्तुतुनिया। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में इसको अलग अलग कर लो, ज्वाइनिंग कर लेगी फिर एक बात। ठीक है, कॉन्स्टेंट, ठीक है, इनो पद तो यहाँ पे होगा कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, ये ध्यान रखना, कैंटिनेंट होता है तो कैंटिनेंटोपल, और इस भाई हिंदी वाले थोड़ा सा ध्यान करें इस चीज का, इस वर्ड का, ये भाई विदेशी वाले वर्ड है, पता नहीं यार कैसे कैसे तो वर्ड है। ठीक है, तो इसका हम ध्यान से रखेंगे, इसका कस्तुतुनिया है, ये कस्तुतुनिया की संधि कब हुई थी, कस्तुतुनिया की जो संधि हुई थी वो 1832 में हुई थी, और कॉन्स्टेंटिनोपल, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब हुई थी, 1832 के अंदर ही, रिकॉग्नाइज ग्रीस एज ए फ्री नेशन। ग्रीस जो था ना, ग्रीस, ग्रीस एक देश है, ग्रीक जो ग्रीक, ग्रीक को बोलते हैं यूनान। ठीक है, यूनान, अभी ध्यान रखना, ग्रीस फिर ग्रीक और फिर यूनान, यूनान को एक फ्री नेशन बनाने की उसमें हुई थी। पहले यूनान क्या था, अलग अलग था, फ्री नेशन नहीं था, लेकिन कस्तुतुनिया की जो संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ कस्तुतुनिया, कस्तुतुनिया की जब संधि हुई वो 1832 के अंदर हुई, और इसका एम क्या था, इसका एम था ग्रीस, ग्रीस का मतलब ग्रीक और ग्रीक का मतलब यूनान, यूनान को एक फ्री नेशन बनाना, यूनान को एक फ्री नेशन बनाना, यूनान। ठीक है, उसके बाद है कल्चर एंड लैंग्वेज प्ले ए मेजर रोल, ठीक है, ये सॉरी, मेजर रोल इन क्रिएटिविटी द आइडिया ऑफ नेशन, कल्चर एंड लैंग्वेज प्लेड ए मेजर। ठीक है, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, और लैंग्वेज का मतलब भाषा, संस्कृति और भाषा को लेकर साथ में चले गया, और उसी के आधार पे बहुत सारी नई नई चीजें आई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कल्चर एंड लैंग्वेज प्लेड ए मेजर रोल इन क्रिएटिविटी द आइडिया ऑफ ए नेशन। ठीक है, किसी भी नई राष्ट्र के निर्माण के लिए उन्होंने कल्चर, संस्कृति और लैंग्वेज, भाषा के आधार पर बनाया, संस्कृति और भाषा के आधार पर नए राष्ट्र का निर्माण हुआ। ठीक है, उसके बाद आता है आपका द 1830 सेशन, 1830 के दशक में वर द ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक संकट पैदा हुआ, कब, 1830 सेशन में, 1830 के दशक में वर द ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप, ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप, तो यूरोप के अंदर एक ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप कब पैदा हुई थी, ये 1830 में हुई थी, और बहुत बड़ी ये एक अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची थी, अर्थव्यवस्था ठप हुई थी। ठीक है, ये मान लो, तो
ठीक है यार, अर्थव्यवस्था डाउन हो गई थी बहुत, उनकी उनकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा लॉस में हुई थी बहुत ज्यादा। उसके बाद में है ए रेवोल्यूशन इन 1848, 1848 ए रेवोल्यूशन इन 1848 लेड बाय लिबरल डिमांड फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। जो लिबरल्स होते हैं, लिबरल से मतलब होता है आपके जो मैं एक उदारवादी, ठीक है, लिबरल्स। तो जो लिबरल्स थे उन लिबरल्स की डिमांड आ गई थी दोस्तों कि कब 1848 के अंदर लिबरल्स जो थे उनकी डिमांड थी कि एक जो फोर नेशन यूनिफिकेशन की राष्ट्रों का यूनिफिकेशन करो, नेशनल का यूनिफिकेशन करो। यूनिफिकेशन क्या होता है, अगर आप यूनिफिकेशन समझो क्या होता है, जैसे भारत में होता है ना, भारत में बिस्मार्क किसको बोलते हैं बताओ, भारत में बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क बोलते हैं। तो इसी प्रकार से बिस्मार्क यूरोप के अंदर था, उसने यूनिफिकेशन किया था राष्ट्रों का, उसी के बेस पे इंडिया के अंदर जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारे राज्यों को एक साथ मिलाया था, ठीक है, और उसी को बोलते हैं फिर बिस्मार्क। बिस्मार्क की संधि क्यों थी उनको, क्योंकि बिस्मार्क यूरोप के अंदर थे, उन्होंने भी ऐसा किया था। तो यहाँ पे यूरोप वाले बिस्मार्क है, इन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में जो यूनिफिकेशन का काम होता है, एक बड़ा सा देश जिसके अलग अलग एरिया अलग अलग जगह पड़े हो, ठीक है, उन सभी को क्या करना, यूनिफाइड करना, इकट्ठे करना उनको, ठीक है, यूनिटी में बांधना। यूनिटी में बांधने का मतलब यूनिफिकेशन। तो अब डिमांड हो गई, तो जो लिबरल्स थे 1848 के अंदर लिबरल्स की भारी डिमांड थी कि जितने जो हमारी कंट्रीज उन कंट्रीज का यूनिफिकेशन करो, ठीक है, नेशनल यूनिफिकेशन पर जोर दिया गया। कब, 1848। और 1848 के अंदर फ्रेडरिक सोरियो नाम के एक आर्टिस्ट ने एक डायग्राम बनाया, एक पिक्चर बनाई, जिसके हाथ में वो पिक्चर एक लेडी की थी। उस लेडी के हाथ में क्या था, उस लेडी के हाथ में, ठीक है, एक हाथ में जो मशाल थी, लाइटिंग लैंप था, और दूसरे हाथ में अपने जो फंडामेंटल राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स है वो राइट्स थे। ऐसे इस हाथ, ऐसे एक सपोज करो, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, वो जैसे ये पेज है, ऐसे ये इस पे फंडामेंटल राइट्स थे, और इधर एक हाथ में ये लाइटिंग लैंप था, मशाल जलती हुई, और उसका जो सिंबल था वो सिंबल इस तरह, ये मशाल जब तक जलती रहेगी जब तक कि हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल जाते, ठीक है, क्योंकि भाई एक फ्री नेशन का तो यही होता है। फ्री नेशन का मतलब वहां की जो जनता होती है वो डेमोक्रेटिक होती है पूर्ण रूप से, और डेमोक्रेटिक लोग क्या होते हैं, डेमोक्रेटिक में तो जो राजशाही तंत्र है वो खत्म होता है, मोनार्की सिस्टम खत्म हो जाता है, क्या होता है फिर पार्लियामेंट का वोटिंग आता है सारा। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, ठीक है, नेशनलिज्म को बोलते हैं राष्ट्रवाद और इंपीरियलिज्म को बोलते हैं साम्राज्यवाद, ठीक है। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद की अपने देश से प्यार करते हो, इंपीरियलिज्म का मतलब साम्राज्यवाद, ठीक है। साम्राज्यवाद का मतलब जो कि जो एक स्थान से होता है, ठीक है, जैसे घेराबंदी हो, ठीक है, ऐसी। तो यूरोप वाज मार्क्ड विद लॉट्स ऑफ चेस एंड टर्मोइल। आफ्टर 1871 देयर वाज एन इंपॉर्टेंट चेंज इन द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, 1871 के टाइम पे, 1871 के बाद में देयर वाज एन इंपॉर्टेंट चेंज, वहां पे बहुत बड़ा चेंज आया यूरोप के अंदर, चेंज इन द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। उसके बाद है विजुलाइजिंग द नेशन, विजुलाइजिंग द नेशन। और विजुलाइजिंग द नेशन के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें राष्ट्र की कल्पना, विजुलाइजिंग द नेशन, राष्ट्र की कल्पना, एक राष्ट्र की कैसे कल्पना कर सकते हैं, कल्पना का मतलब थिंकिंग। अब हमारा जो एक अलग देश होगा वो देश ऐसा होगा, ठीक है, उसके अंदर मेट्रो चलेगी, एक हाई कोर्ट होगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगा, फिर एक लोअर कोर्ट हो, तो ऐसे ऐसे तो कल्पना करते हैं ना आदमी, हम भी तो कल्पना करते हैं कि मतलब यार ऐसा हो जाए कि इंडिया में पानी के नीचे को भी ट्रेन चलने लगे, हवा में को एरोप्लेन जो है, हवा में को भी रोड निकल जा, और सारे पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। तो सारे के सारे क्या है, वो सारे के सारे जो है वो है विजुलाइजिंग, विजुलाइजिंग करते हैं, विजुलाइजिंग द नेशन, अपने राष्ट्र की कल्पना, कैसा राष्ट्र होगा हमारा, लोग बात सोचने लगे थे हमारे अपने राष्ट्र के बारे में, एक अलग देश के बारे में। द सिंबल इज ए विजुलाइजिंग इमेज, ठीक है, विजुलाइजिंग इमेज बढ़ाई गई, ठीक है, विजुलाइजिंग इमेज बनी हुई है आपकी बुक में, जिसमें कि एक जो राष्ट्र की देवी है, राष्ट्र की देवी की पूजा कर रहे हैं लोग बाग लाइन में खड़े होकर, और जो मोनार्की सिस्टम है, मोनार्की सिस्टम के जो अवशेष थे, उनकी वेशभूषा ड्रेस वो एक एक साइड में इकट्ठी डाल रखी, डालने के बाद में दिखाती साइड में, देखो मैं यहाँ एक बार साइड में होता हूँ, मैं लगाता हूँ, ठीक है, कैसे विजुलाइजिंग, विजुलाइजिंग द नेशन की डायग्राम है ये, विजुलाइजिंग द नेशन का डायग्राम है, आपने अब तो समझ गए होंगे, ठीक है, चलो भाई ठीक है, हटा दो। उसके बाद में आता है विजुलाइजिंग, ए सिंबल इज ए विजुअल इमेज दैट डिपिक्ट्स समथिंग आफ्टर देन इटसेल्फ, इट मे बी डिपिक्टेड यूजिंग एन ऑब्जेक्ट, पिक्चर, रिटन वर्ड, साउंड और ए पर्टिकुलर मार्कर।
उसके बाद है ड्यूरिंग रिवोल्यूशन आर्टिस्ट ए नेशन लाइक ए पर्सन दिस पर्सनिफिकेशन प्रोवाइड्स लाइक टू एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट लाइक नेशन। उसके बाद में आल्सो फीमेल फिगर बिकम एन एलगोरी ऑफ द नेशन। ठीक, उसके बाद आता है आपका यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यहां से क्वेश्चन बढ़ जाता है कभी कभी, ज्यादा तो नहीं पूछेगा लेकिन कभी कभी एक नंबर में तो आता ही है। और उसके बाद अगर देखो मैं तुम्हें ईमानदारी के साथ मैं बताऊं तो ईमानदारी के साथ में ये जो वीडियो है, ये कंसेप्ट जो है ये बहुत ही शॉर्टकट कंसेप्ट है, ये चैप्टर इसमें क्लियर नहीं होगा। चैप्टर को हमें धीरे धीरे करके आराम से पढ़ना पड़ेगा, सारा पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर समझ में आएगी चीजें। यूरोप के अंदर क्रांति हुई थी, कैसे हुई थी, रीजन क्या था और रिजल्ट क्या निकल के आया था। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी है इसमें आई ही नहीं। बताओ ड्यूक मैटरनिक का कहीं जिक्र है ही नहीं। ठीक है, ऑटोमान बिस्मार्क का कहीं जिक्र है ही नहीं। ठीक है, काउंट कबीलते काबुर का जिक्र है कहीं, है ही नहीं, है कहीं बताओ। फेथफुल पार्लियामेंट है इसमें कहीं, नहीं है कहीं भी। तो बहुत सारी सिस्टमेटिक नॉलेज ऐसी है जो शॉर्टकट वीडियोस में नहीं दी होती, इसीलिए मैं कहता हूं कभी भी अगर आपको अच्छे नंबर और आगे सफलता की राह बढ़ानी हो तो दोस्तों कभी भी शॉर्टकट वीडियो पे मत जाओ। शॉर्टकट वीडियो कभी मत देखो, 5 मिनट में पूरा चैप्टर पढ़े। ठीक है, सबसे लेंथी वीडियो जो होती है ना उसको पढ़ो, उसमें पता लगेगा आपको क्या होता है। मैं हमेशा लेंथी वीडियो से अपनी स्टडी करता था। ठीक है, आज से 1 साल पहले तो मैं हमेशा जितनी भी लेंथी लेंथी ज्योग्राफी स्पेशल की मैंने जब मैं पेड कोर्स लिया था कभी अपना भी, तो ज्योग्राफी स्पेशल में मेरी जो वीडियो क्लासेस थी 1.5 घंटा की थी, 1.5 घंटा में लगातार पढ़ता रहा था इस चीज के लिए। तो मैं आज भी बोलता हूँ 5 मिनट की, और आपने देखे होगा यूट्यूब पर थंब आइकन लगाया, थंब आइकन लगा ले कि 10 मिनट में टॉपिक को क्लियर करें, 2 मिनट में कंसेप्ट सीखे, बकवास है कुछ नहीं, आपके दिमाग में भ्रम पैदा करेंगे। शॉर्टकट मेथड कभी भी चीजों को सोल्व नहीं करता। ठीक, अब आगे चलते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली पहले क्या था, इटली बहुत छोटे छोटे राज्यों के रूप में अलग अलग बिखरा पड़ा था, तो इटली को यूनिफाइड करने का जो काम किया वो यूनिफाइड करने का काम किया था किसने, गैरिबाल्डी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इटली को यूनिफाइड करने का काम गैरिबाल्डी ने किया था। गैरिबाल्डी का नाम बहुत फेमस है यूनिफाइड ऑफ इटली के लिए। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली कौन फेमस है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली का श्रेय किसको जाता है, गैरिबाल्डी को जाता है। और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का जो श्रेय जाता है वो बताओ दोस्तों किसको जाता है, ऑटोमन बिस्मार्क को जाता है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ये रहा जर्मनी और ये रहा बिस्मार्क। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बिस्मार्क और यूनिफिकेशन ऑफ इटली गैरिबाल्डी। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है हमें। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली फ्रेंच ऑस्ट्रिया, फ्रेंच ऑस्ट्रिया एंड पोप्स हैड कंट्रोल ओवर सम इटालियन स्टेट। यहां पे कहा कि फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है वियना। ठीक है, फ्रांस ऑस्ट्रिया एंड पोप्स हैड कंट्रोल ओवर सम इटालियन स्टेट। देखो फ्रांस ऑस्ट्रिया और जो पोप्स थे, ठीक है, पोप के जो शहर थे बहुत सारे और पोप्स थे, वो सभी इटालियन घराने के संपर्क में थे, उनके कॉन्टेक्ट में थे दोस्तों, इसीलिए वो डेवलप नहीं हो पा रहे थे और ना ही डेमोक्रेटिक हो पा रहे थे। नॉर्थन इटली वाज कंट्रोल बाई काउंट कैवूर। नॉर्थन इटली जो उत्तरी इटली था ऊपर वाला, नॉर्थ इटली किसके कंट्रोल में था, बाई काउंट कैवूर के संपर्क में था। ठीक है, काउंट कैवूर के कंट्रोल में था नॉर्थ इटली। साउथर्न इटली वाज कंट्रोल बाय गैरिबाल्डी। नॉर्थ इटली किसके कंट्रोल में था, काउंट काउंट कैमिलो दे काहूर, पूरा नाम है काउंट कैमिलो दे काहूर और यहाँ का शॉर्ट नाम है काउंट कैमिलो। ठीक है, काउंट कैवूर। साउथर्न इटली किसके कंट्रोल में था, साउथर्न इटली कंट्रोल में था गैरिबाल्डी के। ठीक है, तो रोम्स ज्वाइन इटली, रोम्स ज्वाइन इटली। उसके बाद में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ था, जैसे इटली अलग अलग छोटे छोटे स्टेट के रूप में बिखरा पड़ा था ऐसे ही जर्मनी छोटे छोटे स्टेट में बिखरा पड़ा था। ठीक है, तो जर्मनी, रशिया, रशिया लैंड जर्मन यूनिफिकेशन सपोर्टेड, जर्मन लैंड वो सॉरी रशिया लैंड जर्मन यूनिफिकेशन सपोर्टेड बाई जर्मन पॉपुलेशन एंड स्ट्रोंग आर्मी। ठीक है, रशिया जो था रशियन लैंड लगा हुआ था जर्मन यूनिफिकेशन, जर्मनी का यूनिफिकेशन कराने के लिए सपोर्टेड बाय जर्मन पोल्यूशन, जर्मनी जो जर्मनी थे, जर्मनी आदमी थे उनके सहयोग से एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी और एक बहुत बड़ी आर्मी के सहयोग से क्या हुआ था, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था। जर्मनी के देखो जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, रशिया के सहयोग, रशिया से लगा हुआ था वो। उसके बाद में जो जर्मन की पॉपुलेशन थी, जर्मन की जो पॉपुलेशन थी उनके सहयोग से, उन एक लार्ज आर्मी और स्ट्रॉन्ग आर्मी के सहयोग से ही क्या हुआ था, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था। बिस्मार्क टू कंट्रोल, जिस पर बिस्मार्क ने कंट्रोल किया था। ठीक है, तो इसीलिए यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का जो श्रेय है वो बिस्मार्क को जाता है। उसके बाद है विक्टरी ऑफ पर्सिया, विक्टरी ऑफ पर्सिया आर डेनमार्क ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस। विक्टरी का मतलब विजय, पर्सिया पर जो विजय हुई थी ओवर, पर्सिया के ऊपर जो विजय थी, डेनमार्क, डेनमार्क यूरोप का देश है
ऑस्ट्रिया यूरोप का देश है, फ्रांस यूरोप का देश है, डेनमार्क को विश्व में डेयरी प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, डेयरी उद्योग जो पशुओं वाली डेयरी होती है ना, दूध डेयरी मिल्क डेयरी, उनमें सबसे ज्यादा वर्ल्ड लेवल वहां डेनमार्क में है। तो विक्टरी ऑफ रशिया ओवर डेनमार्क ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस, तो विजय किसकी हुई थी, पर्शिया ओवर, पर्शिया के ऊपर विजय हुई थी डेनमार्क ऑस्ट्रिया और फ्रांस की। उसके बाद है पर्शियन वोन द रेस्पेक्ट बाय अदर जर्मन, ठीक है, पर्शियन जो पर्शियन थे वो जीत चुके थे, ठीक है, पर्शियन वोन जीत गए थे द रेस्पेक्ट ऑफ अदर जर्मन, ठीक है, उनसे ज्यादा पर्सियों की जो थी उन विजय थी। पीपल एक्सपेक्टेड पर्शियन लीडरशिप, पीपल एक्सपेक्टेड पर्शियन लीडरशिप। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पड़ते हैं आपके। वैसे मेरी तो समझ में ये चैप्टर, अगर ईमानदारी के इस बात बताऊं तो ईमानदारी से इस चैप्टर पर मैं शॉर्टकट फॉर्मूले कभी और शॉर्टकट नोट्स कभी यूज करता ही नहीं। मैं एक क्वेश्चन को एक तरीके से लेंथी पढ़ाऊंगा और इससे लगभग पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा। ऐसे तो ये शॉर्टकट मेथड है, आपको अगर अच्छा लगा ठीक है, तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, माने मैं पूरा कंसेप्ट क्लियर करने वाला आदमी हूँ। उसके बाद है यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए हम किसको जानेंगे, गैरिबाल्डी। यहाँ पे दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है वो निकाल लो, यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए गैरिबाल्डी को देते हैं और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए किसको, ओटोमोन बिस्मार्क को लेते हैं। पूरा नाम है ओटोमोन बिस्मार्क, यूनिफिकेशन ऑफ इटली गैरिबाल्डी और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी ओटोमोन बिस्मार्क, ठीक है। इनके बारे में मैं इनकी बायोग्राफी भी पढ़ाऊंगा, ओटोमोन बिस्मार्क के बारे में, नेपोलियन के बारे में, ठीक है, और वही काउंट कैमिलो के बारे में, सबके बारे में, ठीक है। तो वही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों, बाय।